Okay, नमस्कार आदाव काल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड रिपोर्टेड सोर्सेज में ये है आज 25 नवंबर 2022 ओके okay, 25 नवंबर 2022 में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता तो हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और लेट मी चेक एवरीथिंग इज फाइन क्योंकि बीच में स्टक हुआ था ओके okay. मिंत्रा की एडवर्टीजमेंट आती हुई फिफ्टी परसेंट ऑफ ये स्किप किया हमने ऐड को और हमारी शक्ल आ गई चलिए ठीक है सही है सब कुछ हुआ था ओके। चले स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड uh, आप में से आज बहुत सारे लोगों का आप में से वो खैर नहीं होंगे मतलब कुछ लोगों का आज एस बी ए क्लर्क का एग्ज़ाम भी है आज प्रिलिम्स एग्ज़ाम भी है है ना कल आई बी बी एस पी मेन शेड्यूल है जो मेन बैटल है आज की इस साल की वन ऑफ द मेन बैटल जो अब कल होने वाली है एटलीस्ट मेन्स एग्ज़ाम या फिर कह लीजिए जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसकी ठीक है तो उम्मीद यही है कि आपकी रिवीजन अच्छे से होगी होगी और आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे लेवल पर आपने कर ली होगी ताकि आप कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से जो स्कोर आपने करना चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं वो आप ज़रूर कर पाओ बशर्ते एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं एट द रेट के आटपाल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जहां आपको मेरी सारी, सारी की सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड पीडीएफ वहां पर मिल जाएं आपको लिखना है एट द रेट के कार्ट पाल चैनल आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस विद कपिल कपिल्डपाल करके वहां पर आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स और पीडीएफ जितने भी होती हैं वो मिल जाएंगी राइट right, ओके okay. में चौबीस लिखा है कोई बात नहीं कई बार जिंदगी में पिछले दिन को भी याद कर लेना चाहिए ताकि उस गलती को हम ना दुराए जो हमने पिछले दिन की थी ठीक है तो थंबनेल में इसलिए 24 लिखा है ताकि कल का दिन भी हमें याद रहे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आ, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं पहली खबर आई है पिछहत्तरवां क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इनिशिएटिव सो सेवेंटी फाइव यूथ सेलेक्टेड एज विनर्स ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ सेवेंटी फाइव क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमरो इनिशिएटिव के सो so, ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसका इस बार का दूसरा एडिशन है दूसरा पार्ट है ये ऐसे पिछहत्तर यूथ्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है और ये सिलेक्ट किया जाता है किसमें ये सिलेक्ट किया जाता है ऐसे पिछहत्तर यूथ जो कि फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे पिछहत्तर लोगों को चुना जाता है तो पिछहत्तर पिछले साल चुने गए थे पिछहत्तर इस साल चुने गए हैं तो टोटल डेढ़ सौ हो चुके हैं अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जी हाल ही में ईफी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है आपका गोवा में बीस से छब्बीस नवंबर के बीच में उस दौरान उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की ठीक है और ये एम है इसका बेसिकली फिल्म मेकिंग में जो टैलेंट है जो यंग टैलेंट है आप जैसा लोगों का टैलेंट जो है उसको यहाँ पर आगे लेकर आना और उनको कुछ आ, सिखाना उनसे कुछ सीखना सब चीज़ें राइट इनिशिएटिव फिफ्टी थर्ड एडिशन ये जो अभी चल रहा है उसका पार्ट है 18 से 35 साल की आयु के यूथ लोग जो है उनको यहां पर आपका स्पेशल गेस्ट के फॉर्म में यहां पर रखा जाएगा ऐसे पिछहत्तर गेस्ट है वो चुन भी लिए गए हैं इस बार के और उसमें महाराष्ट्र के तेईस है फॉलोड बाय तमिलनाडु के नौ विनर्स हैं दिल्ली से छह आए हैं और ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन एसोसिएशन शॉर्ट्स टीवी इनके द्वारा यहां पर ये पिछहत्तर यूथ जो है इनको चुना जाता है ये प्रोग्राम जो है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है ओके नवंबर नवंबर में चौबीस नवंबर तक तेईस नवंबर तक करंट अफेयर्स करके जानी है ट्वेंटी थर्ड नवम्बर तक एग्ज़ाम में आती है इतने तक की अगर आप सेकेंड वीक तक करके गए हो अब कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा नहीं है कि आज रात को कुछ कर लोगे जितना कर लिया उसी को रिवाइज़ करो लेकिन करके यहाँ तक जानी थे अगर आप डेली फॉलोवर हो मेरे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए यानी कि आप मेरी क्लासेस पिछले काफ़ी दिन से अटेंड नहीं कर रहे अगर आप स्टिल ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर करंट अफेयर्स कब तक करनी है ठीक है Uh, उम्मीद करता हूं ये न्यूज समझ गई होगी याद होगी होगी आपको क्या है सेवेंटी फाइव क्रिएटिव माइंड टुमारो इनिशिएटिव ठीक है जैसा मैंने आपको बताया पिछले साल भी चुने गए थे और इस बार भी यहाँ पर आपका इनको एक 53 थ्री आवर चैलेंज दिया गया है 53 थ्री आवर चैलेंज 53 थ्री आवर चैलेंज का मतलब है कि इनको कहा गया है कि तिरपन घंटे में आपको एक पूरी पूरी एक शॉर्ट मूवी जो है वो क्रिएट करनी है द विनर्स ऑफ क्रिएटिव माइंड फॉर टुमारो टू प्रोड्यूस अ शॉर्ट फिल्म ऑन देर आइडिया ऑफ इंडिया एट हंड्रेड इंडिया जो है 100 वर्ष की जब आज़ादी हो जाएगी दो में तब इंडिया कहाँ पर होगा कैसा होगा उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ी के तिरपन घंटे में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर इसको एसोसिएट है इस प्रोग्राम से साथ ठीक है इंडिया एट हंड्रेड पिछहत्तर यूथ्स ये आपका पूरा का पूरा बनाएंगे इसी मौके पर यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक पिछहत्तर एक फिल्म बाज़ार की भी शुरुआत की फिल्म बाज़ार बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर आप मूवीज को खरीद सकते हो और बेच सकते हो फिल्म बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड फिल्म को बाय करना और खरीदने का क्या मतलब है आप जो भी पर्सन है फिल्म बनाता है लाइक द प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते हैं वो फिल्म्स आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं तभी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आप तक वो मूवी अलग अलग यहाँ पर मूवी होल्स के थ्रू पहुँचती है तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसको नहीं खरीदेंगे तो आप तक वो मूवी पहुंचेंगे नहीं ये कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एक्टर की जिम्मेवारी नहीं होता कि लोगों तक पहुंचाना। बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बीच में मूवी होल्स होते हैं लाइक दी पीवीआर वगैरह उस तरह के तो यहाँ पर वही बाइंग एंड सेलिंग का काम एक एसोसिएशन है एक, एक जगह उनको दे दी गई है फिल्म बाजार नाम की जहां पर पूरी दुनिया के मूवी के जो बेचने वाले हैं खरीदार है डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोड्यूसर है वहां पर मौजूद है तो कोई भी अगर खरीदना चाहता है बेचना चाहता है अपने यहां पर उस मूवी को लगाना चाहता है तो वो चीज की जा सकती है तो लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट फिल्म बाजार इनग्रेट किया गया इसको अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा ये भी एन ही इसमें यहां पर इन्वॉल्व है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन इसमें इन्वॉल्व है ठीक है ओके अगली खबर पच्चीसवा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस सो यहां पर आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनेग्रेट किया पच्चीसवां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस टू बी हेल्ड इन कटरा जम्मू कश्मीर कटरा जम्मू कश्मीर में यहां पर आयोजित किया जाएगा कटरा उम्मीद का तो आप जानते होंगे नहीं पता तो आपको बता दूं कटरा वो जगह है जहां से माता वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो शुरुआत होती है ठीक है जहां से आप लोग चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं वही उस जगह को कटरा कहा जाता है यहां पर है ना उस जगह का नाम है कटरा तो वहीं पर ही यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पिछहत्तरवीं पच्चीसवीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस यहां पर शुरुआत करेंगे इसकी थीम रहेगी ब्रिंगिंग सिटीजन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर ये इसकी थीम रहेगी ये आपका यहां पर इस मौके पर कुछ अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए जाएंगे आपके और ये अवार्ड्स रहेंगे किस किस कैटेगरी का, में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जी टू जी गवर्नमेंट टू सिटीजन जी टू सी गवर्नमेंट टू बिजनेस जी टू बी इनिशियटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अगर इस तरह के किसी भी तरह के इनिशियेटिव में पार्टिसिपेट किया है तो उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को यहां पर अवार्ड्स दिए जाएंगे ये जी टू जी जी टू बी जी टू सी जो है ये देखने का तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक इसी तरह का बी टू सी होता है जिसमें होता है बिजनेस टू कंज्यूमर ठीक है बी टू सी पूछा था भाई एग्जाम में कि भाई बी टू सी क्या होता है ठीक है तो सोचने को ना हम छोड़ देते हैं हमने जी टू जी जी टू ये थोड़ी ना है। लेकिन उन्होंने पूछ लिया अब ये टू यहां जो लिखा है ना ये वहां पर ये टू इस तरह से नहीं आता ये टू इस तरह से लिखते हैं इसमें वैसे है एक्चुअल में टू इस तरह से लिखा जाता है इसमें मतलब उसका टू ही होता है टी ओ इस टू का मतलब यही होता है टू बट वो लिखा इस तरह से जाता है ठीक है तो यहां पर इस जो एसोसिएशन इस फंक्शन में इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा बेसिकली जो भी यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेलिंग करते हैं किसी चीज की गवर्नमेंट टू कंज्यूमर यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंज्यूमर तक आपकी कोई कोई चीजों की सर्विस जो है वो दे रहे हैं सर्विस की बात कर रहा हूं और गवर्नमेंट टू बिजनेस किसी भी बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो सर्विस देते हैं लाइक लाइसेंस वाइसेंसिस दिए जाते हैं वगैरह वगैरह ठीक है तो उनको जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट उनको प्राइजेस दिए जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर स्टार्टअप्स एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और भी बहुत सारी चीजें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको भी यहाँ पर अवॉर्ड दिए जाएंगे पांच कैटेगरीज में जिसमें 18 ई इनिशिएटिव सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो यहां पर तकरीबन 18 ऐसे इनिशिएटिव्स और 18 ऐसे प्राइजेस जो है वो दिए जाने हैं अलग अलग पांच कैटेगरीज में दीज इंक्लूड्स नाइन गोल्ड एंड नाइन सिल्वर अवार्ड ओके सो so, ये अवार्ड ये सेरेमनी जब होगी तो जब ये अवार्ड आएंगे तो डेफिनेटली वी विल बी डिस्कसिंग दोज अवार्ड्स कि अवार्ड्स किस किस को मिले हैं फिलहाल आपकी ये न्यूज जो है वो न्यूज में इतना ही है कि कहां पर ये इवेंट होने वाला है कटरा में होने वाला है इस इवेंट की थीम क्या है इस इवेंट की थीम ब्रिंगिंग सिटीजन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर है ये इसकी थीम है यहां पर आपकी और नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं इसी मौके पर एवरी Year. और ये की कैटेगरी अभी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूज़ वापस तो तब भी यही आपकी चीजें देखने को मिलेंगी आगे चलते हैं यूनेस्को इंडिया अफ्रीका 2022। सो यहां पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर इनग्रेशन किया यहां पर इन... यूपी यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथोन का हैकेथोन यहां पर जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है उन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के लिए जो कि यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो कोई ना कोई ऐसी कोडिंग वोडिंग या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन करते हैं कोई नया इनोवेशन करते हैं कोई नया आइडिया लेकर आते हैं ऐसी एक जगह पर एक कंपटीशन टाइप है और उसमें से फिर एक आइडिया चुना जाता है उनको प्राइज दिया जाता है अवार्ड दिया जाता है तो दैट इज न हैकेथोन ठीक है हैकेथोन इसको कहा जाता है टू बिल्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर सो यहां पर आपका इसी तरह का एक हैकेथोन अफ्रीका यूनेस्को और इंडिया यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज के तकरीबन 22 अफ्रीकन कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो थे वो यहां पर मौजूद हैं इस हैकेथोन में पार्टिसिपेट करेंगे और इस हैकेथोन के थ्रू यहां पर वो क्या करेंगे दे विल एंगेज इन कोडिंग ऑफ 36 सिक्स आवर्स नो स्टॉप टू फाइंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन फॉर इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन एग्रीकल्चर हेल्थ एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर अमंग अदर्स तो यहां पर क्या किया जाएगा यहां पर एग्रीकल्चर हेल्थ एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वगैरह इस तरह की किसी भी तरह की समस्याएं जो जनरल पब्लिक आमजन आप जैसे मेरे जैसे लोगों को आती है उस फील्ड में यहां पर आपका तकरीबन 603 स्टूडेंट्स कंटिन्यू 36 घंटे तक कोई ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर कोडिंग के ऊपर यहां पर काम करेंगे और वो कहां से आ रहे हैं वो आ रहे हैं बाईस अफ्रीकन नेशन से जो इस फील्ड में काम करेंगे आपका पार्टिसिपेट करेंगे और इस हैकेथोन के थ्रू तो यहां पर एक नया सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करेंगे ठीक है तो ये यह चीज़ यहां पर आती हुई कहां पर किया गया है नोएडा में किया गया है इसका आयोजन नोएडा में उत्तर प्रदेश में यहां पर इसका उद्घाटन इस समारोह का किया गया है एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज सो नेशनल कमीशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रिसेंटली लॉन्च किया है घर गो होम एंड री यूनाइट ओके सो घर गो होम एंड री यूनाइट पर रिसेंटली लॉन्च किया गया है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा यहां पर आपका और ये जो किया गया है घर गो होम एंड दी चाइल्ड राइट्स के बारे में जिसके मैं बात कर रहा हूँ री की बात कर रहा हूं ये आपका है उन बच्चों के लिए बेसिकली जो बच्चे 18 साल से कम उनकी एज है और वो यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी ना किसी क्राइम के लिए सज़ा काट रहे हैं बेसिकली ऐसे 18 वर्ष से नीचे जो उम्र होती है ऐसे बच्चों को जेल में नहीं रखा जाता जहाँ पर नॉर्मल कैदियों को रखा जाता है इनके लिए अलग से यहाँ पर जुवेनाइल्स होते हैं यहाँ पर आपके बाल सुधार गृह जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं उनमें इनको रखा जाता है तो ये जो प्रोग्राम है इनिशिएटिव है ये उन्हीं बच्चों के लिए है ज्यूएनाइल्स के लिए है यहां पर आपका पोर्टल वाज डेवल्ड बाय द एनसीपीसीआर पोर्टल हैज डिजिटल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन हू आर इन द जुएनाइल जस्टिस सिस्टम एंड नीड टू बी रिपार्ट्रेटेड टू अनदर कंट्री स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मतलब जो यहां पर आपके उसमें सजा काट रहे हैं और उनको मूवमेंट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे उनकी ट्रैकिंग के लिए यह चीज यहां पर की गई है घर गो होम एंड दी री करके सो रोल ऑफ दी डब्ल्यू सी दैट इज दी सेंट्रल वुमेन कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन सो बेसिकली अगर उनको जाना है उनको घर जाना है आपका लेकिन उनके मॉनिटरिंग के लिए ये एक डिजिटल ट्रैकिंग यहाँ पर शुरुआत की गई इसी डिजिटल ट्रैकिंग को नाम दिया गया घर गो होम एंड द री यूनाइट किसके द्वारा किया गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा यहाँ पर किया गया है क्रिप्टो करेंसी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको जानते होंगे इस्तेमाल भी किया होगा जानने का मतलब जानते तो सभी होंगे लेकिन इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं तो ये एक रिपोर्ट आती हुई क्रिप्टो करेंसी से इन्होंने ये कहा है कि तकरीबन तकरीबन आपके 70 से 80 प्रतिशत जो लोग हैं उनको यहां पर क्रिप्टो करेंसी में नुकसान हुआ है बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम ये सुनने को मिलता है मैं तो करोड़पति बन गया क्रिप्टो करेंसी कारण तो वो उन 10-20 परसेंट में से एक है बाकी लोग जिनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ सभी को नुकसान ही देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू वर्किंग रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड में है ठीक है स्विट्जरलैंड के बीजल नाम की जगह पर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वही गाइडलाइंस जो बेजल की गाइडलाइंस जो है वहीं से निकलती हैं आपकी ठीक है बेजल बेजल वन टू थ्री थर्ड चल रहा है अभी फिलहाल बेजल थ्री जिसके तहत तीन पिलर्स हैं आपके उम्मीद कर तो आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से की होगी आपने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में बेजल नॉम्स हम पढ़ते हैं ठीक है उसमें वेजल थ्री फिलहाल चल रहा है जिसमें पहला पिलर के तहत कैपिटल एडिक्वेश रेशियो हमें 9 परसेंट प्लस 2.5 परसेंट कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है इसके अलावा दो और यहाँ पर पिलर्स होते हैं मार्केट डिसिप्लिन होता है आपका और आपको मिनिमम जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करना है रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क इस तरह के तरह तरह के जो रिस्क हैं वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं ये कुछ बेजल लोम्स की गाइडलाइन है जिनको पूरा करना अनिवार्य है आपका सभी बैंक्स के लिए अगर इनको पूरा नहीं करते तो इनमें बेसिकली कुछ थ्रेश दे रखे हैं अगर इससे नीचे सी आर जाता है इससे नीचे जाता है तो आपके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जा सकता है यही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जिसको हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिसमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बाहर किया था लेटेस्ट की खबर है और उसी बाहर होने के बाद ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर वैकेंसीज भी आउट हो गई थी क्योंकि जब किसी बैंक पर पी लगता है तो उसके

अगर किसी को एक और इन्फॉर्मेशन देता जा तो जब बात ही चल रही है तो किसी को बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस का बिल्कुल बेसिक से कोर्स करना है एस बी क्लर्क और एस बी के लिए तो आपका एक तारीख से मैं नया कोर्स लेकर आ रहा हूँ लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है दे दूंगा एस बी आई पी ओ एस बी आई क्लर्क के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस का बिल्कुल बेसिक से कोर्स आएगा आपका एक तारीख से एक दिसंबर से टाइमिंग उसकी रहेगी दोपहर को एक बजे एक से दो बजे तक की वो क्लासेस होंगी डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे वो क्लासेस होंगी तो आप आ जाना ज्वाइन कर लेना ठीक है बाकी लिंक और डिटेल मैं आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से भी दे दूंगा और आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा सो so, यहां पर आपका उम्मीद करता हूं अब तक, आप तक आपने न्यूज पढ़ ली होगी जिन्होंने पढ़ना चाहते थे वो पढ़ चुके होंगे अब तक यही कहा गया है सेवेंटी थ्री परसेंट क्रिप्टो करेंसी यूजर्स जो है उन्होंने अपनी जो पैसा है गवा दिया आफ्टर यूएस एंड टर्की इंडिया में तीसरे सबसे हाईएस्ट नंबर रजिस्टर्ड डाउनलोड्स हैं क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप्स के जून दो में यहां पर तकरीबन तीस मिलियन क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप डाउनलोड्स हुई हैं क्रिप्टो करेंसी जहां से खरीदी जा सकती है वो ऐप यहां पर तकरीबन 30 मिलियन क्रिप्टो ऐप्स यहां पर डाउनलोड की गई है ठीक है ओके इंडिया आल्सो फीचर्स अमंग दीज कंट्रीज विद दी लोवेस्ट एवरेज मंथली ऐप यूसेज पर वन लाख रुपीज ओके सो यहां पर पर वन लाख ,00 रुपीज यहां पर आपका ये चीज आपकी की गई है लोवेस्ट एवरेज मंथली ऐप यूसेज पर वन लाख पीपल ओके सो ये आज यहाँ पर देखने को मिला है डाटा अकॉर्डिंग टू स्टडी 73 थ्री टू एट्टी वन परसेंट ऑफ यूजर्स जिन्होंने अपना पैसा गवा दिया है इन्वेस्टर वुड हैव 431 डॉलर उन्होंने एवरेज ऑन एन एवरेज यहां पर गवाया है 900 डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद 431 थर्टी वन जो डॉलर है वो गवा देते हैं एक एवरेज निकाला गया है मीडियम के थ्रू एक मोन एक मीन होता है एक मीडियन होता है ना तो ये मीडियम के थ्रू स्टैटिस्टिक्स तो के बीच में नॉर्मल जो हम एवरेज निकालते हैं मीडियम थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है होती है मिड की वैल्यू होती है मीडियन बेसिकली ओनली फ्यू इन्वेस्टर मेड लार्ज दे रखा है ग्राफ को समझ में आता है ठीक है नहीं तो छोड़ देना जस्ट आपको इतना ही याद रखना ये वाला फिगर ठीक है चलो अगली न्यूज पे चलते हैं अगली खबर आई है यहां पर ग्रेटर निकोबार से आप मेरे पीछे थोड़ा सा यहां पर मैप देख पा रहे हैं ठीक है ये क्या हो गया ओके ठीक है आप मेरे पीछे मैप देख पा रहे हैं जूम तो नहीं होता ये आ, नहीं होता ना So, यहां पर आपने जो देख रहे हैं इसमें यहां पर यह अंडमान निकोबार का मैप है और इसमें सबसे नीचे का जो एक आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार दिस इज आइलैंड, सबसे नीचे का आइलैंड है आपका ग्रेट निकोबार यही ग्रेट निकोबार आइलैंड की मैं बात करूं तो इसके डेवलपमेंट के लिए 72,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ओके okay. सेवेंटी टू थाउजेंड करोड़ रुपए दिए गए और उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स लगने हैं उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने भी यहां पर मंजूरी दे दी है इंप्लीमेंटेड तीन में होगा अगले तीस सालों के लिए सदर्न मोस्ट आईलैंड है आपका अंडमान निकोबार का दो ग्रुप आर सेपरेटेड बाई वन किलोमीटर वाइड टेन डिग्री चैनल टेन डिग्री चैनल ये यह यहां पर देखो ये ग्रेट निकोबार लिटिल निकोबार उसके ऊपर लिखा है ये यह यहां पर आपका डिवाइड होता है ये एरिया ऊपर वाले एरिया से टेन डिग्री चैनल से टेन डिग्री चैनल पता है आपको टेन डिग्री चैनल क्या होता है मैं एग्जामिनर होता मैं ये क्वेश्चन पूछता आपसे टेन डिग्री चैनल ठीक है चलो मुझे तो खैर पता है इसके बारे में ज्योग्राफी पढ़ी है तो पता होगा ठीक है लेकिन आप थोड़ा सा सर्च करना आपको पता होना चाहिए है ना तो देखते हैं कि आपको पता है या आप सर्च करके भी थोड़ा सा

ग्रीनफील्ड सिटी पूरी नई सिटी वहां पर बनाई जाएगी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और एक पावर प्लांट बनाया जाएगा एयरपोर्ट भी वहां पर प्रपोज है वहां पर एक पूरी की पूरी सिटी नई बसाई जाएगी और वहां पर पूरा एक टर्मिनल भी बनाया जाएगा एंड द पोर्ट विल बी कंट्रोल्ड बाई इंडियन नेवी एंड द एयरपोर्ट यहां पर ड्यूल मिलिट्री सिविलियन फंक्शंस के तहत रहेगा टूरिज्म के लिए यहां पर बढ़ावा बेसिकली वहां टूरिज्म हब बनाने की बात की जा रही है निकोबार आइलैंड को एक नया टूरिज्म हब वहां पर क्रिएट किया जाएगा राइट सो ये है डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेटर निकोबार 72,000 करोड़ रुपीज की लागत के साथ यहां पर यह प्रपोजल रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है अगली खबर है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कंट्री का पहला सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को जारी किया सुसाइड किस तरह से कम की जा सकती है ये चीज़ जारी की और इनका जो टारगेट रखा है वो रखा है दस परसेंट का यानी कि हम जो अभी सुसाइड्स हो रही हैं उसमें दस प्रतिशत की गिरावट लेकर आएंगे 2030 तक यहाँ पर और सुसाइड्स की बात करूँ तो सुसाइड आपकी यहाँ पर इन इंडिया मोर देन वन लैख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर लोग एक लाख लोग सुसाइड करते हैं एवरी ईयर and it is the top killer in 15 to 29 years category in the past 3 years the suicide rate has increased from 10 to 11.3 percent per one lakh population okay so ye aapka kafi ek dukhad cheez hai suicide depression में आ जाते हैं और ये पंद्रह साल obvious है 15 से 18 साल की जो एज होती है इस दौरान ही हमारे जो मेजर एग्जाम्स हम देखने को मिलते हैं हमारे टेंथ board ट्वेल्थ बोर्ड और उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह तो ये उसी दौरान होते हैं कंपिटेटिव एग्जाम जो फेस करते हैं हम आईआईटी वगैरह टाइप के तो माइंड भी उस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे चले आते हैं कुछ बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऑब्वियस कोटा वोटा गए होंगे तो बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ के हैं ओके और आपकी एज में भी जब आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते जहाँ पर कंपटीशन फाइट करना फेट फाइट करना पड़ता है यहाँ पर भी आपका डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप में होती है डिप्रेशन का मतलब आप ये मत समझे कि मुझे टेंशन है मेरा एग्ज़ाम हो रहा है होगा सही नहीं होगा ये होगा वो होगा उस चीज़ को डिप्रेशन दैट इज़ नॉट अ डिप्रेशन डिप्रेशन इज़ समथिंग एल्स जिसमें आपको पता ही नहीं लगता मैं कर क्या रहा हूं ठीक है हो क्या रहा है आपका तो वो चीज डिप्रेशन में आते है और जब आपकी ये सेंसेस आप खो देते हो कि मुझे पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं इन दैट केस आपका माइंड सोचना बंद कर देता है और जब आपका माइंड सोचना बंद कर देता है तो फिर आप अपने आप को कुछ भी कर सकते हो आपको पता ही नहीं लगता मैंने अपने आप से क्या किया और जब सब कुछ खत्म ही हो जाता है तब तो है ना और जो पीछे रह जाते हैं जो आपके माता पिता जो आपके भाई बहन जिनसे आप बहुत प्यार करते हो जो आपके बहुत नज़दीक हैं जो भी चाहे एक ही पर्सन आपके नज़दीक है चाहे पाँच पर्सन आपके नज़दीक है लेकिन स्टिल वो स्तब्ध रह जाते हैं वो यहाँ पर दुखी हो जाते हैं पूरी की पूरी जिंदगी भर अगर ऐसा कोई कोई भी पर्सन ऐसा कोई डिसीजन लेने की सोचता है डिसीजन तो क्या लिया जाता है डिसीजन नहीं लिया जाता इट्स अ रैंडम थिंग वही मैंने कहा ना इट्स अ रैंडम थिंग कि विदाउट एनी थिंकिंग ये चीज़ हो जाती है तो अगर फिर भी स्टिल अगर आप ऐसी फेस में जाने एक प्रकार से जा रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो आप जस्ट उनसे बात कीजिए या बात नहीं कीजिए उनके बारे में सोचिए जिनसे आपको प्यार है कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिनसे आपका बहुत अच्छा लगाव होता है बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपके माता पिता आपके साथ नहीं होते लेकिन कोई ना कोई और होता है या फिर कोई और नहीं होता आपके मम्मी साथ होती है आपके पापा साथ होता है किसी ना किसी से तो आप उस तरह से लिंक रहते हैं तो उनके बारे में सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगी जब वो लोग यहाँ पर बाद में अगर ऐसा कुछ होता तो उसके बाद क्या बीतेगी उनकी ज़िंदगी के ऊपर तो एटलीस्ट इसी सोच के साथ अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से चैनलाइज करते रहिए ताकि आप इस तरह के फेज़ में ना पहुँचें राइट right. खैर आप लोगों में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है ये चीज़ लेकिन थोड़ा सा जब 15, 18 साल 20 साल की उम्र होती है तब ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और खैर उसके बाद 21, 22 की उम्र में जब आ जाते हैं तब थोड़ा सा अलग रिलेशनशिप्स एंड ऑल उसमें माहौल क्रिएट हो जाता है वहाँ पर हम चलने लग जाते हैं उस तरफ फिर वहाँ से डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है फिर वहाँ से डिप्रेशन कभी ख़त्म होता है तो थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आती है तेईस चौबीस साल की कि कैरियर में कुछ करना है तो फिर कैरियर में जब हताशा मिलने लग जाती है तब वहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो एक ऐसा फ़ेज़ है कि पंद्रह साल से आप पहले एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो फिर आपका फ़ेज़ है जब आप रिलेशनशिप्स में हो फिर आपका फ़ेज़ है जब आप करियर बना रहे हो तो ये ऐसा एक फ़ेज़ है जिसमें आपको सबसे स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत होती है और अगर ये फेज़ आपने बहुत अच्छे से पार कर लिया पंद्रह से उनतीस साल का फ़ेज़ तो आप आने वाले जब तक आपकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक अपनी ज़िंदगी जो है बहुत सुकून से बिताएंगे ठीक है और जिंदगी सुकून से बिताने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई सरकारी नौकरी लेकर ही जिंदगी सुकून से बिताएं जिंदगी सुकून से चाहे दो रोटी दिन में खा लो तब भी बीत सकती है चाहे पांच रोटी दिन में खा लो तब भी बीत सकती है चाहे सरकारी नौकरी मिल जाए तब भी बीत सकती है और बिना सरकारी नौकरी के भी बीतती है है ना दुनिया में सारे के सारे इंसान खुश इसलिए नहीं है कि वो सरकारी नौकरी है दुनिया बहुत सारे इंसान शायद उनसे भी ज्यादा खुश है जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है ठीक है तो इट डजेंट मैटर कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा लेकिन क्या आपने कुछ ऐसा कर लिया है कि आप उससे ज्यादा खुश रह सकते हैं है ना एक मजदूर है लेबर है जो आपके घर की मजदूरी करती है कोई भी नौकर है आपके घर की कोई मेड है जो सफाई करने आती है वो भी अपने आप में खुश है वो भी शाम को जाके खुशी खुशी घर पे खाना खाते हैं है ना बस वो एक खुशी का पैमाना होता है कि वो खुशी का पैमाना क्या है क्या आपके अंदर खुशी का पैमाना है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए या फिर आपके अंदर ये खुशी है कि हाँ ठीक है बढ़िया तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज हमने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की अपने आप को इंसेंटिव इंसेंटिवाइज कीजिए आज आपने एक मोक लगाया बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया नंबर आए अपने आज जीके का जीए बहुत अच्छे से मंथली रिवाइज कर ली बहुत बढ़िया लगा क्विजेज लगाए बड़ा कॉन्फिडेंस आया दैट शुड बी एन हैप्पीनेस हैप्पीनेस शुड नॉट बी लाइक कि हाँ मुझे ये बनना है मुझे ये करना है बैंकर बनने क्या हो जाए बैंकर बनने के बाद भी तो डिप्रेशन में चले आते हैं लोग है ना ठीक है तो छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर अपनी खुशियों का हिस्सा बनाओ और जब छोटी छोटी चीज़ें खुशियों का हिस्सा बनती रहती हैं तो आने वाली जो समय है आने वाले जो उम्र है आपकी धीरे 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 वही कहते हैं ना छोट थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ जब सीढ़ी ऊपर जाना तो एक एक स्टेप लेना पड़ता है ना तो वही छोटी छोटी खुशियाँ छोटी छोटी खुशियाँ लेते रहो साथ चलते रहो और सारे दिन बहुत बढ़िया जाते रहेंगे है ना डोंट गेट डिप्रेस अगर नहीं होता एग्ज़ाम क्लियर बहुत सारी चीज़ें और बाकी हैं बहुत सारी चीज़ें और आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है है ना ऐसा नहीं है ठीक है अब आजकल तो वैसे चलो मैं फेसबुक ज़्यादा चलाता नहीं हूँ लेकिन आ, पहले के टाइम जब फेसबुक चलाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़ते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आते तो फ्रेंड फ्रेंड्स में एडिड है आज की डेट में एडिड है तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनका स्टेटस चेंज हो जाता है सिलेक्टेड इन दिस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेटस नहीं होता सिलेक्शन नहीं होता तो आज भी उनकी तीन चार साल की पहले जो वो फ्रेंड एड थे अब वो नौकरी तो नहीं लगे लेकिन वो खुश हैं स्टिल दे आर डूइंग समथिंग लड़कियां शादी करके खुश हैं बढ़िया हैं बढ़िया है, लाइफ जी रही हैं है ना कोई मालदीव जा रहा है कोई कहीं को नहीं मोन पर जा रहा है और लड़के भी हैं कोई बढ़िया प्राइवेट जॉब में कर रहा है और बढ़िया कंपनी में बैठा बढ़िया ठाट बाट से वो भी अपनी फोटोएं डाल रहा है है ना तो एवरीथिंग इज देयर ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी इज एवरीथिंग ओके चलो थोड़ा सा फ्लो में कहीं और ही चला गया आज ग्यारह दस हो गया भाई अरे न्यूज़ ही बड़ी है मेरे को टेंशन होगी डिप्रेशन हो गया भाई मेरे को न्यूज़ कैसे खत्म करूंगा बीस मिनट में मैं सुसाइड कर दूंगा है ना डिप्रेशन हो रहा है मेरे का बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं ख़त्म होंगे बीस मिनट में कहाँ कूदूँ मैं यहाँ तो कूद भी नहीं सकता यहाँ तो कोई कूदने वाली जगह भी नहीं है बाहर है बाहर धूप है वैसे तो है ना धूप धूप पहले धूप ले लूँगा बाहर जाकर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी विटामिन डी आ जाएगा फिर कूदेंगे ना विटामिन डी लेकर कूदेंगे बढ़िया से है ना चलो ग्लोबल इंटलेक्चुअल लार्जली बाई इंक्रीजेस इंक्रीजेस फ्रॉम एशियन कंट्रीज ऑफ इंडिया एशिया इंडिया चाइना साउथ कोरिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ओके वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है एंड सर इमेजिन की बीस मिनट के बाद ये बंदा कह रहा बीस मिनट के बाद चले आना सर अभी पढ़ा दो ये देखो ये तैयार है मेरे को कुदवाने के लिए सर बीस मिनट के बाद चले आना इतने स्वार्थी लोग हो ना तुम यार ग्रोथ इन ग्रोथ इन लोकल पेटेंट फाइलिंग्स इन इंडिया 5.5 परसेंट चाइना 5.5 रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2.5 परसेंट ये बेसिकली पिछले साल के मुकाबले इस बार जो पेटेंट की एप्लीकेशन हैं यहाँ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो एप्लीकेशन है ट्रेडमार्क कॉपी वगैरह जो होती है ना उनकी एप्लीकेशन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है फाइव पॉइंट फाइव रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू लोकल पेटेंटिंग एक्टिविटी इन यूएसए माइनस वन पॉइंट टू परसेंट यूएसए में कमी जापान में भी कमी आ गई और जर्मनी में भी कमी आ गई ठीक है सो so, वीपो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को देती है एंड इसमें तकरीबन 3.4 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशन 2021 में यहाँ पर फाइल की गई है जो कि पिछले साल के मुकाबले 3% परसेंट थ्री ज्यादा है और एशिया में यहां पर सिक्सटी परसेंटेज इनमें से जो 3.4 मिलियन एप्लीकेशन है इसमें से 67.6 सिक्सेंट एप्लीकेशन एशिया में आई है 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 पेटेंट होता ना कि मैं भाई कोई कोई ऐसी चीज आ, कोई अपना तरीका बढ़ाने का मैं उसको पेटेंट डाल लू कि मेरे तरीके से कोई और नहीं बढ़ा सकता यह चीज भी होती है वाकई में होती है ऐसे तो दिस इज पेटेंट यानी कि माइक जो कंपनी बनाया माइक कहते है कि मैं इस टेक्नोलॉजी से जिस टेक्नोलॉजी मैंने माइक बनाया इसका मैं पेटेंट करा लेती हूँ यानी कोई और यूज नहीं कर पाया इस टेक्नोलॉजी को अगर वो करेगा तो उनपे भाई साहब केस वेस्ट ठोक दिया जाएगा राइट right. आगे चलते हैं लो एक जना पूछ रहा है हाय कहता हाय टीना जवाब दे दो भाई टीना कहीं निकल ना रहा हो रशिया हैज बिकम इंडियाज बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर फॉर द फर्स्ट टाइम ओके सो यहां पर इंडिया का बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर जो है वो रशिया बन चुका है रशिया ने पीछे छोड़ा किसको चाइना को रशिया ने पीछे जोड़ा चाइना को एंड 371 परसेंट रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर आपका बढ़ चुका है टू अ रिकॉर्ड ऑफ 2.15 2.15 मिलियन मिलियन ओके यहां पर रशिया की तरफ से से एक्सपोर्ट आया अप्रैल अक्टूबर मंथ का ये डाटा है और ये यहां पर पिछले साल के मुकाबले यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है ओके सो ये आपका यहां पर मोनिट्री टर्म्स मतलब वैल्यू वाइज वन बिलियन डॉलर हुआ है और टन मतलब कि वजन 2.15 मिलियन टन हुआ है आपका ठीक है ओके टीना ने भी जवाब दे दिया क्या बात है ऐसा रशिया शेयर ऑफ इंडियन फर्टिलाइजर इंपोर्ट वाज होवरिंग 6% ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल ईयर वाइल चाइना स्टूडेंट ट्वेंटी फोर परसेंट ओके चाइना यहां पर ट्वेंटी फोर परसेंट पर है मतलब पिछले साल था ये छह परसेंट था और चाइना ट्वेंटी फोर परसेंट था इस बार ये चक्कर भाई साहब ऊपर आ गया है तो ट्वेंटी वन परसेंट जो हिस्सा है वो रशिया की तरफ से आ रहा है हमारे पास फर्टिलाइजर का राइट ओके सो फेल टू पॉइंट फोर परसेंट फ्रॉम टू टेन पॉइंट टू सेवन मिलियन टन ऑल्दो इन वैल्यू टर्म्स इम्पोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड सर्च फिफ्टी नाइन परसेंट ठीक है वैसे तो वैल्यू वाइज अगर मैं बात करूं तो वैल्यू वाइज फर्टिलाइजर का जो है इम्पोर्ट आपका वो बड़ा है इंक्रीज हुआ है 7.4 बिलियन डॉलर पे पहुंचा लेकिन जो टर्न वाइज है जो वॉल्यूम वाइज है वो कम हुआ इसका मतलब यही हुआ कि प्राइजेस जो है फर्टिलाइजर के काफ़ी बढ़ गए तो जो कि हमें पता है अगर आप डेली सुनते हो तो पता है मैंने बहुत बार कि फर्टिलाइजर के प्राइजेस बढ़ गए सब्सिडी सरकार बढ़ा रही है पिछले दिनों में यही तो हुआ है और क्या हुआ तो यहां पर यह पूरी की पूरी एक यहां पर डाटा फिगर वाली न्यूज़ आती हुई ठीक है डाटा फिगर वाली न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर याद करने का तरीका यही है कि इसको लिख कर याद करो डाटा तभी याद हो पाएंगे आपको नहीं तो फिर भूलते रहोगे है ना चलिए ये है आपका रशिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है राइट सो इसमें आपको यहां पर आ, ये वाला डाटा याद करना है डाटा सारे याद करना है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डाटा याद नहीं करना सारे डाटा ये तो याद करना ही करना है कितना हुआ ठीक है रशिया का कितने प्रतिशत है इक्कीस परसेंट है रशिया का फिलहाल कितना एक्सपोर्ट कर रहा है ये फिगर भी है याद करनी है और ये फिगर भी याद करनी है बस इतनी तो फिगर है बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें चार पांच फिगर्स ही है तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया जम्बो ट्रेल्स इन कोयम सो कोयम नाम की जगह पर यहां पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया जम्बो ट्रेल्स तमिलनाडु प्रोग्राम जिसका काम है आपका विजिटर्स को एजुकेट करना टू टाइगर रिजर्व अबाउट द एलिफेंट्स, द फ्लोरा फोन ऑफ एटीआर एंड द एंड दी ट्राइब्स हु लिव इन बेसिकली एक प्रोग्राम है हाथियों के बारे में यहां पर बताने के लिए जम्बो ट्रेल्स यहां पर टाइगर रिजर्व से यहां पर विजिटर्स को जो आते हैं अन्ना टाइगर रिजर्व में उनको वहाँ के लिए हाथियों के बारे में जानकारी देने के लिए जम्बो ट्रेल्स करके यहाँ पर शुरुआत की गई एग्जाम में ये पूछेंगे जम्बो ट्रेल्स किससे संबंधित है अन्ना टाइगर रिजर्व से संबंधित है जम्बो देखकर वहां पर एलिफेंट रिजर्व पे टिक मत करके आना ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन एग्जाम में आप करके तो आते हो बाहर आपको पता बाहर आपको आकर लगता है कि मैं तो सही करके आऊं लेकिन जब रिजल्ट आता है नंबर कम आता है फिर आपको तब आपको रियलाइज भी नहीं होता मैंने क्या गलती की थी ठीक है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है आप जम्बो ट्रायल्स देंगे जम्बो से आप समझोगे हाथी और ऑप्शन में एलिफेंट रिजर्व पक्का होगा तो आप एलिफेंट रिजर्व करके आओगे लेकिन ये टाइगर रिजर्व है ठीक है ओके गिरिराज सिंह जी ने इनग्रेट किया सरस आजीविका मेला 2022 न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली दिल्ली के प्रगति मैदान में यहाँ पर सरस आजीविका मेला यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई यहाँ पर इस मौके पर यहाँ पर आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ये सरस आजीविका मेला जो था ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरुआत की गई दीनदयाल अद... दीनदयाल अनोद्या योजना जो है दीनदयाल अनोदया योजना जो है उसके तहत यहाँ पर एन जो आपकी है उसके तहत यहाँ पर बेसिकली जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं या ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको यहाँ पर सेल करने के लिए उन प्रोडक्ट्स को ये चीज यहाँ पर की गई है ठीक है ओके

तो सर लाइफ इंश्योरेंस करा लो जाते आते कमाल है यार गजब यार टेक्नोलॉजी आजकल तो यहां मैंने बोला है वहां पर फोन ही आ गया डेथ इंश्योरेंस का गजब भाई गजब इसको कहते हैं मार्केटिंग कभी की ऐसी मार्केटिंग तू लोगों ने जाते थे बंदे को जो जाने वाला बंदा उसको भी इंश्योरेंस बेच डाला इन्होंने कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल मॉड्यूल लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सो so, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में सेवेंटी वन थाउजेंड लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए रोजगार मेला के तहत जैसे पहले भी दिए गए सेवेंटी फाइव थाउजेंड को और सेवेंटी वन थाउजेंड जिनको अलग, अलग अलग कैडर से यहाँ पर अलग अलग यूपीएससी बैंक एसएससी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड उन सबके द्वारा यहाँ पर रिक्रूट किया गया पिछले कुछ टाइम से तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उसी मौके पर यहाँ पर इन्होंने एक मॉड्यूल की शुरुआत की जो कि नाम है कर्मयोगी प्रारंभ मॉडल इसी तरह का एक और मॉडल यहाँ पर शुरुआत की गई थी आपके यूपीएससी जो हैं कैंडिडेट्स जो हैं यूपीएससी क्लियर करके जो आते हैं आ, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम उनके लिए भी यहाँ पर किया गया था कर्मयोगी करके प्रोग्राम की शुरुआत कुछ साल पहले इसके तहत उनको ट्रेनिंग दी जाती है और अब कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल जो है ये शुरुआत की गई है बाकी जो आपके लाइक बैंक एस एस सी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तो गवर्नमेंट इस पोर्टल के थ्रू उनको बताएगी किस तरह से उनको अपनी जॉब करनी है क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी बताई जाती हैं राइट right. सो so, कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली फॉर ऑल अपॉइंटेड अंडर द रोजगार मेला ठीक है इनिशिएटिव है मिशन कर्मयोगी का जो कि आपका काफी ये एक ऑनलाइन कोर्स है यहाँ पर न्यू रिक्रूट्स फॉर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ओके okay. सो so, जो मैंने बात की थी एक मिलियन पर्सनल को दस लाख लोगों को यहाँ पर एक साल के अंदर नौकरियां देने का टारगेट है अड़तीस डिपार्टमेंट में जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवेंटी रिक्रूट पर न्यूली रिक्रूट्स को यहाँ पर हाल ही में दिए थे रोजगार मेला की अभी मैंने वही बात की आपकी तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पर बना है यह बना है अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो कि दो विलेजेस में फैला हुआ अरितापत्ती विलेज और दी मीनाक्षीपुरम विलेज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है दिस इज लोकेशन इज इंपॉर्टेंट अरितापत्ति विलेज और मीनाक्षीपुरम विलेज नाम है अरितापत्ति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फोना जंगल वंगल है ना एक ऐसी एरिया जिसको हम बचा कर रखना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर आपका ये जगह है जहां पर स्टेट का पहला तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी uh, हेरिटेज साइट यहाँ पर की गई है so ऐसा आप मत तो बोलिए प्लीज़ सुबह 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 बार बार आप आ, अपने लिए ऐसा बोल अरे ना सुबह से ना मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है तो सोच रहा निकल ही लूँ मैं कहीं <laughs> है ना? मतलब कि ऐसी सिचुएशन है कि झुका नहीं जा रहा आज मेरे से मतलब आई कांट बेंड मतलब इतना भी बेंड हो रहा है मेरे पेन हो रहा है ऐसी हालत है आज मेरी एक्चुअली ना उम्र होगी अब आप सोचते हो कि सर रोज़ ही कुछ ना हो कभी आपका दांत दर्द हो रहा है कभी आपके पीठ दर्द हो रही है अब उम्र होगी यार बच्चे सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए तो बस समझ जाओ अब क्या कर सकते हैं अब इस चीज़ का कोई इलाज तो है नहीं है ना दांत से निपटाया अब पीठ पे आ गई दर्द अब पीठ से निपटाएंगे कुछ और हो गया करना पड़ता है क्लास करनी पड़ती है अब क्या कर सकते हैं रोज़ रोज़ बहाना भी नहीं मार सकते आज ये हो गया तुम्हें तो भानना लगेगा लेकिन असलियत होती है अब क्या करें ना इसलिए जिंदगी जी लो भाई साहब मेरी उम्र के हो गए ना फिर यही होना तुम्हारे साथ भी हंस रहे हो ना जो लोग हम्म तुम्हारे साथ भी यही होना है फ्यूचर देख लो अपना हाँ कहा है हरियाणा ओके हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक अवार्ड स्कीम टू तो रिवॉर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट एट वर्क प्लेस स्कीम इज नेम्ड एज दी हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम 2022 हजार बाईस ओके okay. स्कीम यहाँ पर नाम दिया गया है हरियाणा गुड गवर्नेंस गुण अवार्ड स्कीम 2022 इसके तहत ऐसे ऑफिशियल्स को चुना जाएगा जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बेसिकली उनको चुना जाएगा जो कि यहाँ पर बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं स्टेट के लिए स्टेट के जो भी स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग लेवल पर इसमें प्राइजेस दिए जाएंगे फिफ्टी वन थाउजेंड सेकेंड प्राइज इकत्तीस हज़ार थर्ड प्राइज इक्कीस हज़ार वगैरह वगैरह यहाँ पर आपका दिया जाना किया गया है ठीक है हरियाणा ने लॉन्च किया अवार्ड्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस स्पीड के चक्कर में मैंने सुबह से पृथ्वी को भी नहीं उठाया उठा ही नहीं पा रहा उसको मैं दर्द होती है okay, ओके ओए, ओए। ये देखो आगे चलते हैं ट्रेड्स एम वन एक्सचेंज साइंस एमओयू विद एमएसएमई मिनिस्ट्री फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द उद्यम पोर्टल सो एक एमओयू साइन किया गया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का ट्रेड्स प्लेटफॉर्म मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है आपको ये डिस्काउंटिंग के परपज़ से होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म यहाँ पर है ना कि डिस्काउंट किया जाता है क्या डिस्काउंट किया जाता है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर आपके जो उधारी लिया किसी ने वो डिस्काउंट की जाती है ये बेसिकली यार बैंकिंग की न्यूज है मैं इसमें डाल दी एक काम करते हैं इस न्यूज़ का ना मैं बैकिंग क्लास में कराता हूँ है ना बहुत अच्छे से आराम से डिस्कस करूँगा तुम ओके चलो इस न्यूज़ को मैं शिफ्ट करूँगा वहाँ पर आराम से बताऊंगा ट्रेड्स वगैरह ये उद्यम पोर्टल के बारे में द्वारा okay, तो. so, यहाँ पर रिप्लाई किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में यहाँ पर आपका केवल सिक्सटी सेवन परसेंट ही लोगों तक यहाँ पर फॉलन बाय सिक्सटी सेवन परसेंट यानी कि जो आपके छे हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट दी जाती है छह हजार रुपए दिए जाते हैं किसानों को सभी इस इंडिया के किसानों को पूरे साल में तीन इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है दो दो हजार के तो उसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है सिक्सटी सेवन परसेंट की यहां पर आरटीए का एक जवाब यहां पर हाल ही में मिला है छह हजार रुपये पर ईयर इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड टू ऑल दी फार्मर्स हु आर हैविंग लैंड होल्डिंग्स ठीक है तो ये फॉलोइंग नंबर देखने को मिले हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड एंड ये पहली इंस्टॉलमेंट जब दी गई थी किसान और ग्यारहवीं इंस्टॉलमेंट जब दी गई है देख सकते हैं है ना ये फिगर इन लैक है मतलब महाराष्ट्र किसानों को पहले 109 लाख ,00 रुपए दिए गए थे अब सैंतीस लाख दिए गए हैं ये अठासी लाख दिए गए थे अब पॉइंट बारह लाख तो ये एक गिरावट देखने को मिली है उनमें यहां पर इनकी इंस्टॉलमेंट रिसीव द फर्स्ट एंड द इलेवंथ इंस्टॉलमेंट फंड फ्रॉम किम किसान ओके okay. छत्तीसगढ़ में भी ये केवल दो लाख ही मिले हैं पहले सैंतीस लाख ,00 मिले थे राइट right? तो ये परसेंटेज में डिक्लाइन है परसेंटेज वाइज डिक्लाइन है ओके okay, चलो एक और रिपोर्ट आई है यहाँ पर आपकी लेंसेंट जनरल के द्वारा दैट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो 2019 की मैं बात करूँ 2019 का ये डाटा आया है 2019 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है पहला जो कारण था वो हार्ट डिजीज होती है एक स्कीमिक हार्ट डिजीज कोज बाय दी नेरोड कोरोनरी आर्टरीज जो सुकड़ जाती है उसकी वजह से होती है हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं नॉर्मल सरल भाषा में और दूसरा सबसे ज्यादा चीज जिसके वजह से डेथ हुई है यहां पर आपकी इन्फेक्शन आपका दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी रिपोर्ट कंडक्ट की गई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 एंड ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट स्टडी फ्रेमवर्क के द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इस स्टडी को फंडेड फंड fund किया है आपका ठीक है ओके सो so ये है आपका बैक्टीरियल इंफेक्शन सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन दो मनी नहीं है वो फार्मर्स का नंबर है अच्छा नंबर ऑफ फार्मर्स ठीक है ओके थैंक यू सॉरी थोड़ा सा करेक्शन मैंने शायद मैंने अमाउंट की बात कर ली थी ये नंबर ऑफ़ फार्मर्स है ठीक है दिस इज़ नंबर ऑफ़ फार्मर्स राइट सो ये नंबर ऑफ़ फार्मर्स हैं ये 109 लाख किसानों को अब इसके दो लाख किसानों को दिया गया तो दिस इज नंबर ऑफ फार्मर्स शाहरुख खान को यहां पर ऑनर किया जाएगा सऊदी अरेबिया के रेड सी फिल्म फेस्टिवल से रेड सी के बारे में कल भी मैंने आपको मैप में दिखाया था कल ही न्यूज़ कराई थी मैंने या कल परसों कराई थी ना जब भी कराई थी याद करना सो साउ यहां पर आपका शाहरुख खान को यहां पर ऑनर किया गया सऊदी अरेबिया के रेड सी फिल्म फेस्टिवल में यहां पर आपका अनाउंस किया गया है इनको अनाउंस किया गया ये अवार्ड इनको दिया जाएगा आपका ठीक है ये 2019 में फिल्म फेस्टिवल किया गया था ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जेधा नाम की जगह है जो सऊदी अरेबिया में है राइट right. चलिए ये बुक है और ये एक स्पोर्ट्स में इवेंट जीता मणिका बत्रा ने रोनाक डोजोक्विक ने आपका एक इवेंट जीत लिया स्पोर्ट्स में एंड uh, ये फुटबॉल कैप्टन बब्बू मनी जी का निधन हो गया एंड रसना के फाउंडर रसना आप सब ने पी होगी मैंने तो बहुत पी है बचपन में ठीक है आपने भी शायद पी होगी डेफिनेटली इसके जो फाउंडर हैं अरीज पिरोज शाह खम्बाटा इनका भी निधन हो गया इन्होंने अपने पिताजी के साथ इसकी शुरुआत की थी जोरबा नाम का एक डॉग है डॉग स्क्वाड में जो कि यहाँ पर शिकारी कुत्ता कह लीजिए, है ना जो कि हमारे पुलिस और आर्मी की मदद करता था वो यहाँ पर उसका निधन हो गया खैर ये रिटायर हो चुका था पहले 2019 में ही ये जोरबा और ये पहला ऐसा ये डॉग था जो कि इस स्क्वाड में शामिल किया गया था और उसका निधन हो गया बारह साल की उम्र थी इसकी बैलगियन मेलिनियोस कैट की प्रजाति जो बोलते हैं आप नस्ल जो है उससे बिलोंग करता था काजीरंगा नेशनल पार्क में ये यहाँ पर इसको रखा गया था ओके okay, मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए बने रहिए एडिटोरियल क्लास में आ जाइएगा अभी स्टार्ट करते हैं दो तीन मिनट में उससे पहले आज 25 तारीख है आज आखिरी डेट है आप जब अन अकेडमी पर आप 20 परसेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं 20 परसेंट डिस्काउंट आपको 12 मंथ्स और 24 फोर मंथ्स दोनों में दिया जा रहा है तो आप जो भी अगर आप अगले एक साल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं और अगर आप अगले दो साल के लिए टारगेट कर रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन में हैं फाइनल ईयर में हैं तो फिर आपको 24 फोर मंथ्स लेना चाहिए अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर दी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है वन अनकेडमी प्लस पे आपके पेड कोर्सेज जो है वो उनके अवेलेबल हैं आपको उनके इंडिविजुअल कोर्सेज़ नहीं ख़रीदने हैं आपको जस्ट एक अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ही खरीदना है और उसके तहत आप मेरे कोर्सेज भी वहाँ पर देख पाएंगे और जितने भी मैथ्स मैथ है रीजनिंग है इंग्लिश है जनरल अवेयरनेस है बैंकिंग अवेयरनेस है मेरे जो भी कोर्सेज एक तरीके से आने वाला है करंट अफेयर्स के रिविजन कोर्सेज़ हैं वो सब आप एक ही प्राइज़ में देख पाएंगे आपको प्राइज़ पे करना है फिलहाल इतना लेकिन ये इतना प्राइस जो पे करना है एक मंथस का वो केवल आज के लिए है अगर कल अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो फिर आपको इस प्राइस में ये चीज़ मिलेगी ठीक है तो ध्यान रखिएगा आज के दिन ये प्राइस है कल अगर लोगे तो ये प्राइस है तो आज का दिन बहुत अच्छा है शुरुआत कर दो आज परचेज कर लो लेकिन ध्यान रखना ये प्राइस आपको जो मिलेगा ये प्राइस एक कोड है एस बी इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद ही मिलेगा अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो एस बी वन जीरो को इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद आपको ये सिक्स सिक्स एट वन में मिल जाएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पर जाके अकेडमी प्लस का एक कैटेगरी है उसको उसको क्लिक कीजिएगा और उस पर जाके आप एस बी वन ज़ीरो कोड लगाकर यहाँ पर इतने अमाउंट में परचेज कर सकते हो आज की डेट में ठीक है और अगर इतने अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फिर थ्री मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है वो भी इतनी अमाउंट में अवेलेबल है ये भी आपको प्राइस मिलेगा इस कोड को लगाने के बाद एस बी वन जीरो कोड को लगाने के बाद थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है लेकिन इस पर ट्वेंटी डिस्काउंट नहीं इस पर टेन ही डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते अगले तीन महीने के लिए ही तैयारी करना चाहते हो सो दिस इज़ फॉर यू ओके चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट अन अकेडमी प्लस पे मेरी क्लास है एडिटोरियल की मैं फाइनेंशियल एडिटोरियल्स वहाँ पर कराता हूँ बहुत ही उमदा लेवल के एडिटोरियल्स होते हैं और फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स भी साथ साथ हम सीखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो जरूर उसमें आया कीजिए टेक केयर बाय एंड सी यू अगेन थैंक यू सो मच और हाँ रात को शाम को अपनी नवंबर 2022 की क्लास है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की छः बजे ठीक है आज हमारे प्लस क्लासेस हैं एक बजे भी प्लस क्लास है पाँच बजे भी है सात बजे भी है एक बजे तीनों क्लासेस आधे आधे घंटे के रहेंगे एक एक मॉक टेस्ट करेंगे तीनों में आपका एक एक मॉक टेस्ट यानी कि जो आई बी बी के लिए हम जनरल अवेयरनेस के कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट करेंगे मिलते हैं फिर आ जाओ प्लस क्लास में